अभी हमने लास्ट सेशन में किया था कि एम्बिग्यूटी को किस तरह से रिमूव किया जाता है, और वो हमें इसलिए ज़रूरी है करना कि हमने पार्सर कंस्ट्रक्ट करना है। पार्सर कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सी एफ जीज यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं सारी उन स्टेटमेंट्स के लिए जो कि आपकी लैंग्वेज का पार्ट होती है। दूसरा स्टेप होता है उनमें से आपने एम्बिग्यूटी रिमूव करनी होती है, जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि किस तरह से एम्बिग्यूटी रिमूव की जाती है। पहले देख चेक करना होता है कौन सी स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी है, किस में नहीं है, जिसमें है उसमें से किस तरह से रिमूव की जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने चेक करना होता है आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव तो नहीं है, उसमें से लेफ्ट रिकर्जन भी रिमूव करनी होती है। सो आपने लेफ्ट रिकर्जन उसमें से किस तरह से रिमूव करनी है, ये एक कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है। सो आज हम देखते हैं कि किस तरह से आप लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करते हैं। एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अच्छा, अब ये लेफ्ट रिकर्जन उसमें हो रही है या नहीं वो किस तरह से चेक करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये और स्टेटमेंट है। सो और ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एक तो ये है ए गेट्स ए बी और दूसरी है ए गेट्स बी, ये दो प्रोडक्शन हैं। अब इन दोनों को चेक करना है कि जिस जिस में भी लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, जिस जिस प्रोडक्शन में भी लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, हमने वो सारी स्टेटमेंट्स में से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है। सो अब कैसे पता चलता है कि ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन हो रही है? आपकी प्रोडक्शन, हर प्रोडक्शन को प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन चेक करेंगे। ये फर्स्ट प्रोडक्शन है आपकी, ठीक है। इस प्रोडक्शन में अब आप चेक करेंगे कि एरो की, ये जो एरो है ये, इसकी राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ है, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो भी सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स लिखा हुआ है, इसकी लेफ्ट मोस्ट साइड जो है वो क्या है? लेफ्ट मोस्ट, दिस इज़ राइट मोस्ट, दिस इज़ लेफ्ट मोस्ट। सो लेफ्ट मोस्ट साइड ए है, जो कि इसी प्रोडक्शन का नॉन टर्मिनल है जो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करता है, यानी ए है। और यहाँ पे राइट साइड पे जो नॉन टर्मिनल और टर्मिनल्स का सीक्वेंस है उसकी लेफ्ट मोस्ट साइड ए नहीं होनी चाहिए। यानी अगर ए है तो इसका मतलब है ये लेफ्ट रिकर्सिव है, दिस इज़ लेफ्ट रिकर्सिव, ठीक है। ये नहीं है। अब अगर यहाँ पे कुछ और होता, बी के आगे ए बी भी लिखा होता, तब भी ये लेफ्ट रिकर्सिव थी, कुछ भी लिखा होता। इसलिए कि लेफ्ट मोस्ट आपकी एरो की राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट सिंबल जो है वो एक नॉन टर्मिनल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी नॉन टर्मिनल, कोई एक्स वाई जेड नॉन टर्मिनल हो जाता, लेकिन वो सेम है, ये दोनों सेम है, ये वाला, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये लेफ्ट रिकर्शन हो रही है, ये लेफ्ट रिकर्सिव है, की लेफ्ट रिकर्जन दूर करनी है, यानी इसको ट्रांसफॉर्म करना है एक ऐसी प्रोडक्शन में जो कि लेफ्ट रिकर्सिव ना हो और लैंग्वेज भी डेफिनेटली डिस्टर्ब ना हो रही हो। सो इसका क्या तरीका होता है? इसका एक, इसके लिए एल्गोरिथम अवेलेबल है। जिस चीज़ का भी एल्गोरिथम अवेलेबल होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन उसको बहुत ईजी हो जाती है। तो इसका एल्गोरिथम अवेलेबल है करना, उसमें आपने ये है कि आप उसको रिप्लेस करेंगे। सॉरी, ये ए नहीं था, ये तो बी नहीं था, ये ए था, ठीक है। अब आपने देखना है कि इस प्रोडक्शन की, यानी ए की जो प्रोडक्शंस हैं, उनमें डेफिनेटली कोई ऐसी प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी जो आपको किसी टर्मिनल की तरफ लेके जा रही होगी, ठीक है। सो ये जो टर्मिनल वाली है, ए की प्रोडक्शन एक ये वाली प्रोडक्शन है, ए की दूसरी प्रोडक्शन ऐसी होगी जो आपको राइट साइड पे जिसके कोई टर्मिनल सिंबल होगा, जैसे कि यहाँ पे ये ए एक टर्मिनल सिंबल है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका ये है कि हमने इस ए को इसके टर्मिनल सिंबल से, कुछ भी हो उससे रिप्लेस करना है, और जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है, जो भी है, बी है, बी ए है, कुछ भी है, इस केस में सिंपल बीस का रिमेनिंग पार्ट है, उसके लिए एक नई प्रोडक्शन बना देनी है, ई ए डैश किसी भी नाम से बना दें, और बी ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें वो मेंशन करना है, और इसे राइट रिकर्सिव कर देना है राइट साइड पे ए डैश, ठीक है। और साथ लेमडा या नल, एप्सिलॉन कहते हैं, ये लेमडा ही होता है, ये अटैच करते हैं, ये एल्गोरिथम है।
क्या एल्गोरिथम है कि जितने भी अगर एक नॉन टर्म यहाँ पे अगर ए का मल्टीपल और टर्मिनल सिंबल्स भी होते हैं तो उनके साथ भी हम यही करते हैं. ए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टर्मिनल सी होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सी ए डैश, ठीक है. और ए डैश में तो क्योंकि रिमेनिंग पार्ट तो इन एनी केस बी है तो बी ए डैश लैम्डा, ये ऐसे हो जाना था उस केस में, ठीक है. तो ये ज़रूरी है कि आपने जो नई ग्रामर बनाई है उसको आपने एक तो राइट एक तो रिमेनिंग पार्ट उसमें मेंशन कर देना है, जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है जितना बी ए ए होता अगर यहाँ पे तो बी ए ए आगे ए डैश और आगे और लगा के ये लैम्डा ज़रूर मेंशन करना, लैम्डा या एप्सिलॉन कहते हैं इसको, ठीक है. तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने की. ठीक है. सो इसमें आईडी जो है वो एक टर्मिनल सिंबल है, इसी तरह प्लस मल्टीप्लाई और ब्रैकेट्स जो ये लगी हुई है पैरेंथेसिस, ये भी टर्मिनल सिंबल है. ई टी और एफ ये तीन सिंबल्स हैं जो कि नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, ठीक. अब इसमें लेफ्ट रिकर्जन हो रही है और कहाँ कहाँ पे हो रही है वो कैसे पता चलेगा. सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना कि जहाँ पर मल्टीपल ये और स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट सीखी हुई हैं इनको बेशक सेपरेट करें ताकि आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सब कुछ चेक कर सकें. ठीक है, मैं सिंपल ये कर रही हूँ कि ये ई की दो प्रोडक्शंस हैं, मैंने दोनों सेपरेट लिखी हैं. ताकि मैं सेपरेटली सबकी सबको चेक कर लूँ कि लेफ्ट रिकर्सिव कौन कौन सी है इसमें से. ये प्रोडक्शन लेफ्ट रिकर्सिव है, ये लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, ये वाली प्रोडक्शन लेफ्ट रिकर्सिव. अब क्यों लेफ्ट रिकर्सिव है, क्योंकि ये इसका एरो की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ई टर्मिनल ही नॉन टर्मिनल ई है ये, और राइट हैंड साइड का लेफ्ट मोस्ट मैच कर रहा है इसलिए ये लेफ्ट रिकर्सिव है. यहाँ पे नहीं ऐसा हो रहा, यहाँ पे भी ये ई टी और ये टी दोनों मैच कर रहे हैं पूरे. अगर यहाँ पे भी टी होता, अगर यहाँ पे टी होता और ये एफ होता तब ये लेफ्ट रिकर्जन नहीं होनी थी इसमें, ठीक है. क्योंकि आपके पास राइट साइड पे जो भी प्रोडक्शन है, जो भी सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स है, उसका लेफ्ट मोस्ट जो है वो सेम होना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रहा है कि लेफ्ट मोस्ट जो है वो टी ही है, सो ये लेफ्ट रिकर्जन हो रही है और ये एफ है, ठीक. ये भी लेफ्ट रिकर्सिव, सो अभी फिलहाल ये लेफ्ट रिकर्सिव है क्योंकि ये टी और ये टी मैच कर रहा है. ये लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, ये भी लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, ये भी लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है. दो स्टेटमेंट्स हैं जो लेफ्ट रिकर्सिव हैं, क्लियर. अब इनकी लेफ्ट रिकर्जन सिर्फ इन्हीं दो की रिमूव करनी है पूरी की, बाकी की सारी स्टेटमेंट्स वैसी की वैसी रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता. सो अब इधर लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है तो क्या आएगा, हम देखेंगे. ई की डेफिनेटली अगर लेफ्ट रिकर्जन हो रही है तो इसका मतलब है ई की डेफिनेटली कोई एक दूसरी प्रोडक्शन भी एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि नॉन लेफ्ट रिकर्सिव होगी. सॉरी, टर्मिनल नहीं होगी लेकिन नॉन लेफ्ट रिकर्सिव होगी. सो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव जो है वो टी, अब यहाँ पे ये टी है. सो इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि इस ई को इस टी से रिप्लेस करेंगे टी, ठीक है. और आपसे कहा था कि बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है ये प्लस टी, उसको हम एक नए पोर्शन में लिखते हैं. ई डैश के नाम से मैंने एक नई प्रोडक्शन बनाई, उसमें मैंने लिखा प्लस टी और इसके एंड पे राइट रिकर्सिव कर देंगे इसको और साथ एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, ठीक है. सबसे पहले तो आपने चेक किया कि ये प्रोडक्शन जो है ये लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं है, हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्शन लेफ्ट रिकर्सिव हैं, हमने उन्हें मार्क कर दिया.
अब लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कुछ इस तरह से किया कि इसी ई की जो दूसरी प्रोडक्शन थी जो कि नॉन लेफ्ट रिकर्सिव थी उससे हमने पहले सिंबल को रिप्लेस कर दिया. सो पहले ई की जगह पे टी लिख दिया, ठीक है, और अब ये प्लस टी हमने एक नई प्रोडक्शन में लिख दिया और उसको राइट रिकर्सिव कर दिया और साथ ना लैड करना है, ठीक है. अब ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाएगी जो कि जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है. अब ये प्रोडक्शन जो है टी वाली ये लेफ्ट रिकर्सिव है. अब यहाँ पे टी की दूसरी प्रोडक्शन मैंने कहा था मस्ट एग्जिस्ट कर रही होगी, टी गेट्स एफ है. सो एफ को रिप्लेस कर देंगे टी से. सो यहाँ पे आएगा एफ और जो रिमेनिंग पार्ट है स्टेरिक एफ, इसको एक नई ग्रामर में टी डैश सॉरी नई प्रोडक्शन लिख देंगे और यहाँ पे इसको राइट रिकर्सिव कर देंगे और इसमें नल साथ एक और प्रोडक्शन टी डैश होगी. बाकी तीनों प्रोडक्शंस जो हैं वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है तो उनको एज इट इज़ लिखते हैं. टी गेट्स एफ, एफ गेट्स, सो एफ गेट्स आई, ठीक है. ये कुछ इस तरह से हो जाता है. सो ये आपकी एक्चुअल ग्रामर थी. इस एक्चुअल ग्रामर की हमने जो कि लेफ्ट रिकर्सिव थी उसकी हमने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव की और ये फॉर्मेट बन गया इसका. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लेफ्ट रिकर्जन का टॉपिक. एक और एग्जांपल करते हैं. आई वाज लुकिंग फॉर अनदर एग्जांपल फॉर यू लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने की एक और एग्जांपल ताकि क्लियर हो जाए. आई होप इसे भी तक क्लियर हो गया होगा. लेफ्ट रिकर्जन इज अ वेरी सिंपल टॉपिक. अब ये तीन ये ग्रामर है जिसकी तीन प्रोडक्शंस जो हैं विजिबल हैं. इसमें सबसे पहले तो आपने यही करना है कि इनको सेपरेट करके लिखें, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि इनको सबको सेपरेट करके लिखें. सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ई एक्स पी आर गेट्स बी ई एक्स पी आर और बी टर्म BR और B term. Next है B term. Yes, B term.
factor. False यहाँ पे terminal sentence false ठीक है. अच्छा अब इसमें से हम mark कर लेते हैं कि कौन कौन सी productions हैं जो कि left recursive हैं. यहाँ पे ये arrow की right side का पहला symbol इससे match कर रहे हैं, so ये statement left recursive है, ये नहीं है. again यहाँ पे ये b term और ये match कर रहा है, so ये भी left recursive है. दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी लेफ्ट रिकर्सिव हैं. अब उनकी लेफ्ट रिकर्सन किस तरह से रिलेट करनी है. क्वेश्चन मैंने रेज कर दिया है, आपने नोट किया होगा आई होप सो. अब पहली स्टेटमेंट है इसकी लेफ्ट रिकर्सन किस तरह से रिमूव करनी है. बी ई एक्स पी आर की दूसरी नॉन लेफ्ट रिकर्सिव स्टेटमेंट चेक करनी है और उसको से रिप्लेस कर देना है पहले एलिमेंट को. सो बी ई एक्स पी आर गेट्स बी टर्म से रिप्लेस करते हैं उसको, बी टर्म और बाकी बी ई एक्स पी आर डैश. बी ई एक्स पी आर डैश में क्या करना है, रिमेनिंग पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन और बी टर्म और फिर राइट रिकर्सिव कर देना है इसको, ई एक्स पी आर डैश को साथ लेना ठीक है. दैट्स इट. ये हमें पहली वाली प्रोडक्शन जो है उसको नॉन लेफ्ट रिकर्सिव कर दिया, उसमें से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करती है. बाकी ई एक्स पी आर जो है वो नॉन लेफ्ट रिकर्सिव है, उसको एज इट इज लिख देना. जो जिसमें चेंज आ रहा है मैं सिर्फ वो ब्लैक में लिख रही हूँ ठीक है. इसी तरह ये बी टर्म वाली स्टेटमेंट भी है, इसको मैं फिर जगह बनानी है, मैंने कुछ में यहाँ से रेज कर रही हूँ. अच्छा अब बी टर्म को बी फैक्टर से रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये बी टर्म का दूसरा है. बी टर्म बी फैक्टर ठीक है और बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये बी टर्म डैश, इसके लिए एक नई नाम देती हूँ प्रोडक्शन ठीक है. बी और इसमें हम क्या करेंगे एंड बी फैक्टर, बाकी का जो रिमेनिंग रिमेनिंग पोर्शन है वो ऐड कर देंगे. बी टर्म डैश और फिर बी टर्म डैश यानी हमने उसे राइट रिकर्सिव कर दिया. राइट रिकर्सिव इज़ फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बाकी की फिर सारी स्टेटमेंट्स में से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो कि लेफ्ट रिकर्सिव हो, सो बाकी स्टेटमेंट सारी एज इट इज़ लिख देंगे लाइक दैट. तो ये आपकी पूरी नॉन लेफ्ट रिकर्सिव एक्सप्रेशन ग्रामर बन जाएगी. हमने लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को कन्वर्ट कर दिया है नॉन लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर में, इसमें से हमने एलिमिनेट कर दिया लेफ्ट रिकर्सन जहाँ जहाँ पर भी हो. आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. वैसे भी ये सिंपल इजी टॉपिक था. नेक्स्ट स्टार्ट करने लगी हूँ मैं एक बहुत, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्होंने बाद में कंबाइन होकर एक मेगा टॉपिक बनाना है पार्सर का. सो लेफ्ट रिकर्सन के बाद लेफ्ट फैक्टरिंग, ग्रामर का लेफ्ट फैक्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है. लेफ्ट फैक्टरिंग बहुत इजी टॉपिक है, लेफ्ट रिकर्सन से भी इजी है, सो बस सुन लेंगे तो समझ आ जाएगी ओके. लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब है कि कॉमन पोर्शन जो है वो हम एक ही दफ़ा लिखें, जैसे कि अगर हम इफ़ स्टेटमेंट की ही बात कर लेते हैं. अभी हमने एक इफ़ स्टेटमेंट के लिए ग्रामर बनाई थी, उसी को अगर मैं यूज़ कर रही हूँ इफ़ एस टी क्या थी वो ग्रामर, इफ़ ई एक्स पी देन स्टेटमेंट या फिर इफ ई एक्स पी देन
ये else के लिए था. ये जो domain आपकी if की grammar थी वो कुछ इस तरह की थी. अब अगर इस पर notice करें आप तो दो options हैं statement की. अगर user ने कहा है कि आपने string check करनी है if e1 then s1 else s2 simple, ठीक है, तो आपका compiler जब run करेंगे आप उसे तो जब वो check करना शुरू करेगा तो parse tree जब उसने construct करना तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, इफ़ में से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, इफ़ एक्सप्रेशन में से ई वन देन में से देन और स्टेटमेंट में से एस वन, बाकी का एल्स पोर्शन इसमें से नहीं निकल रहा, नहीं ड्रॉ हो रहा, ठीक है, वो कहेगा ओके इसका मतलब है इफ़ एल्स की कोई और स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती होगी, वो सारा रोल बैक करेगा, दोबारा से प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, फिर से चेक करेगा ओके इफ़ में से इफ़ ड्रॉ हो रहा है, एक्सप्रेशन में से ई वन देन में से देन स्टेटमेंट में से एस एस वन एल्स में से एस और स्टेटमेंट में से एस टू. सो नोटिस करने की बात ये है कि उसने यहाँ तक जो मैचिंग की थी ये उसने दोबारा की है, जबकि कॉमन था ये, चाहे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होती या आपकी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होती, दोनों में से कोई भी एक डेरिवेशन हो जाती. सो उन दोनों में ये चीज़ कॉमन थी, सेम थी. सो इस तरह की चीज़ें आपका वेस्ट ऑफ टाइम कॉज करती हैं, कंपाइलर का वेस्ट ऑफ टाइम, रिसोर्स, टाइम का रिसोर्स वेस्ट हो रहा है कि ओके दोनों केस, पहले उसने चेक किया उसे कम्प्लीटली फॉल्स कर दिया, फिर से उसने सेम स्टेटमेंट यहाँ तक चेक की, जबकि अगर इसको प्रॉपरली डिज़ाइन लेफ्ट फैक्टर किया होता तो लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब था कि हम इस ग्रामर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करें कि कॉमन पोर्शन उसे एक ही दफ़ा रन करना पड़े, बाकी का जो चेंज पोर्शन है वो उसे बार बार दे, वो बेशक उसे दोबारा से रन कर ले. सो ये आपके पास अगर गिवन ग्रामर है तो आपने इसकी लेफ्ट फैक्टरिंग करनी है, तो किस तरह से करेंगे, कॉमन पोर्शन है इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल इफ़ का नाम दे देती हूँ, इफ़ अंडरस्कोर का नाम दे दिया, और उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो एल्स पोर्शन सिलेक्ट हो जाए या नल सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, उसको कोई भी इफ़ डैश का दे दें या जो जो भी आपको अच्छा लगे, इफ़ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. अब ये इफ़ डैश का मतलब है if जो कॉमन पोर्शन था जिसने इन एनी केस रन होना ही होना है, इफ ई एक्स पी देन एस टी एन टी, ठीक, इधर तक तो दोनों केसेस में रन होना था ना, ठीक है. सो हमने जो कॉमन पोर्शन है वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया. अब इफ डैश को देखते हैं कि वो क्या है, कि या तो लैम्डा आ जाए, एप्सिलॉन यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम एप्सिलॉन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ भी आगे रन रीड ना करे, नल कर ले, या फिर ये एल्स वाला पोर्शन यूज़ कर ले, एल्स दोनों केसेस में क्लियर स्टेटमेंट. सो इस तरह की ग्रामर को आप कहते हैं कि ये लेफ्ट फैक्टर्ड. इसमें अब ये होगा कि अगर ये स्टेटमेंट, ये स्ट्रिंग चेक होने के लिए आई है, इसके लिए पार्स ट्री अगर कंस्ट्रक्ट होना है तो क्या करेगा, इफ़ अंडरस्कोर को रन करेगा, यानी इफ़ अंडरस्कोर का मतलब है इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद फिर वो इफ़ डैश में जाएगा, इफ़ डैश में जाके चेक करेगा नल, ओके सिर्फ नल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नल ये तो इसको तो री वैल्यूएट नहीं करेगा ना, नल ओके नल नहीं है, एल्स एस टू है, सो दूसरे वाले पोर्शन में गया और दूसरे को चेक किया, एल्स स्टेटमेंट वो यूज़ हो रही है. सो ये जो चेकिंग है ये एक ही दफ़ा हो रही है, सो टाइम सेव हो जाता है इस तरह से. तो हमने लेफ्ट फैक्टरिंग का टॉपिक भी कम्प्लीट कर लिया, लेफ्ट रिकर्जन एलिमिनेट कर ली, देखिए कि किस तरह से लेफ्ट रिकर्जन एलिमिनेट होती है, सो एम्बिग्विटी को रिमूव करना भी देख लिया. सो अब हम पार्सल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे और वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली पार्सल कंस्ट्रक्ट करने के लिए और फर्दर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं. हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं कि किस तरह से पार्सल कंस्ट्रक्ट होता है. पार्सल का मतलब है कि ऐसा सॉफ्टवेयर, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो लेक्सिकल एनालिसिस करके फर्स्ट फेज कम्प्लीट करता था, टोकन्स में कन्वर्ट करता था, ठीक है. पार्सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर पार्ट है आपके कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का जो पार्सिंग सिंटैक्स कम्प्लीटली आपकी सारी लैंग्वेज का चेक कर देता है कि सिंटैक्स कोई सिंटैक्टिक एरर तो नहीं है इसमें. सो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, एम्बिग्विटी रिमूव करनी है, उसके बाद आपने लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है, और फिर
और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं जो आगे आपने करने होंगे, सो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. इस वीक के दो सेशंस कंप्लीट हो रहे हैं. आप जस्ट नोट देम डाउन और अपने क्वेश्चंस याद से ज़रूर 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 आपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेने हैं, और ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए. एम्बिग्विटी आई एडमिट इज़ अ डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग आर वेरी सिंपल. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेशन.